मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ दिल्ली में गिरफ्तारी दी है। राहुल गांधी को ईडी के समन देने के विरोध में दिल्ली पुलिस ने सचिन पायलट समेत कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री नहीं दी। इसके बाद पायलट को पुलिस नरेला पुलिस स्टेशन ले गई। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पायलट के साथ विधायक मुकेश भाकर और वेद प्रकाश सोलंकी भी हैं। वही सचिन पायलट ने ट्वीट कर लिखा कि आज जिस प्रकार से पुलिस ने हमें कांग्रेस मुख्यालय जाने से रोका और जबरन गिरफ्तार किया गया, वह लोकतंत्र में बहुत गलत है। लोकतंत्र के लिए इस प्रकार तानाशाही रवैया बुरा संकेत देता है। इस अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार जो नफरत और बदले की राजनीति कर रही है, वह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। असत्य, अन्याय और अनीति द्वारा सत्य को दबाने के भाजपा के प्रयास कभी सफल नहीं होंगे। सत्य राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, जो किसी भी अत्याचार के समक्ष न झुकेगा और न डरेगा। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में आने वाली गिरफ्तारी दी थी। इसके बाद बुधवार को वह AICC मुख्यालय के बाहर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ धरना देते दिखाई दिए। हालांकि कांग्रेस के मुख्य नेता तीनों दिनों से दिल्ली में डटे हुए हैं, लेकिन निर्देश के बावजूद ज्यादातर कांग्रेस के विधायक और मंत्री दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इसी तरीके से सब करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन साथ ही साथ बताते चले कि सचिन पायलट भी अब अपनी बातों से पीछे हटने को राजी नहीं है। तो चलिए ये वीडियो भी आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा हो रहा है। लेकिन इनके पीछे जो ताकतें हैं, जो एजेंसीज को गाइड कर रही हैं, पिछले 8 साल से लगातार सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करके नेताओं की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। कल भी जैसा कि आप जानते हैं, हम सब अपने पार्टी के दफ्तर जा रहे थे, हमने फोन डिटेन किया गया। लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया है 3 दिन पहले कि हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह कर इस सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ये बेवजह अनावश्यक दबाव डालकर एजेंसीज का दुरुपयोग बंद करें। और सोनिया गांधी जी को बुलाया गया 23 तारीख को, राहुल जी को 3-4 दिन लगातार बुला रहे हैं। एक पूरा प्रकरण है शुद्ध रूप से पॉलिटिकल प्रेशर कर विरोधियों की, जो भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हैं, उन लोगों पर दबाव बनाने का काम हो रहा है। हम लोगों को डिटेन किया, पार्टी के अंदर घुसकर लाठीचार्ज किया, तो देश पूरा देख रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि कृपया करके हम शांति बना के रखें, और हम गांधी जी की पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोगों को सिद्धांत को नहीं भूलना है, और अपने संकल्प से, अपनी ताकत से, अपनी अहिंसात्मक प्रयासों से हम इन लोगों को झुकाएंगे, और वो लोग जो हमको डराने की कोशिश करते हैं वो इस संघर्ष में हारेंगे। आप सब ने जो समर्थन दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन आपसे आग्रह कि पूरा देश आज देख रहा है, हम सबको संगठित रहना है, एकजुट रहना है, अपनी आवाज़ को मजबूती से रखना है, लेकिन शांति और अहिंसा का रास्ता जो गांधी जी ने दिखाया था, जिसको हमारी पार्टी का नेतृत्व भी अख्तियार करता है, उसी रास्ते पर चलना है। आप सब यहाँ पर आए समर्थन देने के लिए, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन आपसे आग्रह है कि हम सब लोग शांति से काम लें, और जो भी कानून को, मैंने कल भी कहा था, कानून को अपने हाथ में लेने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम लोग अहिंसात्मक पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, हम चाहे मौन व्रत रखें, चाहे पदयात्राएं निकालें, लेकिन दबाव बनाए रखेंगे। कल भी जब हम लोग कई घंटों थाने में बैठे थे, हमने इतना ही कहा कि हम चाहते हैं कि एक्सपोज करें, आपने CBI का, ED का, इनकम टैक्स का, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग जो आप कर रहे हैं पिछले 7-8 साल में, कोई भाजपा के नेता के रात छापा पड़ा ही नहीं है। जो रेड पड़ती है, जो समन बुलाते हैं, सिर्फ भाजपा का जो विरोध करते हैं उनके ऊपर बुलाया जाता है। इसलिए इस बात को पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। सब नौजवान चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन अनावश्यक दबाव डालकर दुरुपयोग एजेंसीज का करेंगे, उसका विरोध हम पहले भी करते हैं और आज भी करेंगे। कल कांग्रेस पार्टी ने तमाम देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है, धरने की बात करी है, हम सब उसमें भाग लेंगे, और लगातार इस आंदोलन में अहिंसात्मक तरीके से, शांतिप्रिय तरीके से, लेकिन संकल्पित होकर, संगठित होकर, और अपनी बात को मजबूती से रखते रहेंगे। आप सब से मैं निवेदन करूंगा कि शांति बना के रखें, हम आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज आप लोगों ने आकर जो जो आपकी चिंता थी और आपका जो समर्थन देने का जो मन था, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभारी हूं।